हेलो जी नमस्ते, छत्तीसगढ़ रोजगार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय चौहान और आपके लिए लेकर के आ गए हैं एक नई भर्ती। स्कूल शिक्षा विभाग जिला बीजापुर के अंतर्गत नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। इस भर्ती में वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जो है विभिन्न तरह के पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं वॉक इन इंटरव्यू में सीधे उपस्थित होकर के इस पद की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ के द्वारा विभिन्न तरह के पदों की भर्ती के लिए जो है वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। जो भी भर्ती निकाली गई है संविदा के तौर पर जो है भर्तियां निकाली गई हैं। जो भी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार हैं वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होकर के जो है इस भर्ती का लाभ उठा सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू का जो आयोजन है 5 तारीख 7वें महीने 2023 को कार्यालय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बीजापुर में जो है आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न तरह के पदों पर जो है संविदा के तौर पर भर्तियाँ की जाएंगी। बात करें पदों के विवरणों के बारे में तो सबसे पहले जो पद निकाली गई है जिला समन्वयक की निकाली गई है, जिसमें केवल एक पदों पर जिला समन्वयक की भर्तियां की जाएंगी। जो अभ्यर्थी जिला समन्वयक के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको 65,000 रुपये का प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। दूसरे नंबर के पद है प्रोग्राम लीडर की, जिसमें 5 पदों पर प्रोग्राम लीडर की भर्तियाँ की जाएंगी। जो अभ्यर्थी प्रोग्राम लीडर के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको 35,000 रुपये का प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। तीसरे नंबर की पद है फील्ड कोऑर्डिनेटर की, जिसमें 10 पदों पर फील्ड कोऑर्डिनेटर की भर्तियां की जाएंगी। जो अभ्यर्थी फील्ड कोऑर्डिनेटर के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको 25,000 रुपये का प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। चौथे नंबर की पद है लोकल फील्ड कोऑर्डिनेटर, जिसमें 10 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जो अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे 15,000 रुपये का प्रतिमाह इनको वेतन दिया जाएगा। 4 अलग अलग तरह के पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। टोटल 26 पदों पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी। 26 पदों की इस भर्ती में अनारक्षित वर्ग के लिए 11 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद यहां पर रखे गए हैं। जो भी भर्ती यहां पर की जाएगी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होगी। वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 5 तारीख 7वें महीने 2023 को किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं साक्षात्कार के दिवस पर जो यहाँ पर 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच में आवेदनों का जो है पंजीयन यहाँ पर करवा सकते हैं। वहीं बात करें पदों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो जो अभ्यर्थी जिला समन्वयक के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे 12वीं कक्षा में 60% अंक, स्नातक में 50% अंक और MBA या फिर MSW में 60% अंकों के साथ जिनके पास उत्तीर्ण करने की डिग्री है वे जो है जिला समन्वयक के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। दूसरे नंबर की पद है प्रोग्राम लीडर की, जिसमें 12वीं कक्षा में 60% अंक, स्नातक में 50% अंक और 60% अंकों के साथ MSW या फिर MBA की डिग्री है वे जो है प्रोग्राम लीडर के तौर पर अप्लाई कर पाएंगे। तीसरे नंबर की पद है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की, जिसमें 60% अंकों के साथ 12वीं कक्षा और 50% अंकों के साथ स्नातक की जिनके पास डिग्रियाँ हैं वे जो है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के तौर पर अप्लाई कर पाएंगे। चौथे नंबर की जो यहाँ पर पद निकाली गई है फील्ड कोऑर्डिनेटर की, जिसे लोकल फील्ड कोऑर्डिनेटर के तौर पर जाना जाता है, जिसमें 60% अंकों के साथ आपके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने की डिग्री है आप फील्ड कोऑर्डिनेटर के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। वहीं बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में तो 4 अलग अलग तरह के पदों पर जो भर्ती यहाँ पर निकाली गई है साक्षात्कार के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और इसी के आधार पर जो है आपका सीधी भर्ती यहाँ पर किया जाएगा। इस भर्ती में किसी तरह का जो है आपसे परीक्षा जो है नहीं दिया जाएगा। जो उम्मीदवार वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होना चाहते हैं 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच में उपस्थित होकर के अपने आवेदनों का जो है पंजीयन यहां पर करवा पाएंगे। साथ ही साथ यहां पर बता दें जो भी भर्ती निकाली गई है संविदा के तौर पर जो है भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए उम्मीदवार वॉक इन इंटरव्यू में सीधे उपस्थित होकर के जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से जुड़ करके आप आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर पाएंगे और मांगे गई जानकारी को अच्छे से भर करके वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होकर के इन पदों के भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे।